ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिवाली के अगले दिन हम लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें दिवाली के ठीक अगले दिन नहीं करने चाहिए हैं। दिवाली का अगला दिन पड़वा के नाम से मनाया जाता है और साथ ही साथ प्रतिपदा का दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और भाग्योदय नहीं होता। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे कार्य हम लोग जो पड़वा वाले दिन करेंगे, यानी कि दिवाली के ठीक अगले दिन, उससे हम लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। जैसे कि भाग्य में जाले लगना, पैसे की उन्नति ना होना और साथ ही साथ नौकरी में परेशानी आना, बहुत सारी चीजें जो आदमी को एकदम से विचलित करके रख दें, ऐसे ऐसे कार्य हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से चीजें हैं जो हम लोगों को पड़वा वाले दिन यानी दिवाली के ठीक अगले दिन नहीं करनी चाहिए है। सबसे पहले हमें कोई भी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए है। लंबी यात्रा मान लीजिए अगर आप लोगों को करनी भी पड़े तो उसका एक टोटका है, यानी कि एक उपाय। सबसे पहले आप लोग क्या करें, अगर मान लीजिए मजबूरी में आप लोगों को लंबी यात्रा के लिए जाना पड़े पड़वा वाले दिन, तो आप एक रुमाल लीजिए और वो रुमाल आप अपने पड़ोसी के घर में रख दीजिए जब आप निकले, और फिर जब आप अपना कार्य संपन्न करके वापस आ जाएं तो रुमाल पड़ोसी के घर से वापस ले लें। अगला, हम लोगों को कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए है पड़वा वाले दिन। लेन देन यानी कि पैसे का लेन देन या किसी भी चीज का लेन देन हम लोगों को उधार भी नहीं लेना चाहिए है पड़वा वाले दिन। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं और धन की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी हम लोगों को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए है पड़वा वाले दिन। जैसे कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करना, व्यापार शुरू करना या किसी भी तरीके का कोई भी नया कार्य आप लोग पड़वा वाले दिन ना करें। ऐसा करने से वो कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता और अधूरा ही आप लोगों को छोड़ना पड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे, पड़वा वाले दिन सोना भी वर्जित किया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, साथ ही साथ पैसे का लेन देन भी वर्जित किया गया है। और कोई भी चीज आप याद रखें, पड़वा वाले दिन कुछ भी ना खरीदे, ना बाहर कोई दुकान से कुछ खरीदे, ना ही किसी से भी पैसे देकर कोई भी चीज खरीदे, ऐसा करना भी वर्जित किया गया है पड़वा वाले दिन। साथ ही साथ कोई भी पूजा ना करें आप पड़वा वाले दिन। पड़वा के अगले दिन आप गंगा जल से शुद्ध होकर फिर आप पूजा करें और अपने सारे कार्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।